आज है नवरात्रि का पहला दिन, अच्छे से करना डेकोरेशन। हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल द धांसवर्ड व्लॉग। सो आज है नवरात्रि का पहला दिन, श्राद्ध निकल चुके हैं। श्राद्ध में इतना ज्यादा हेडक हो गया था कि हम कुछ भी शूट वूट नहीं कर पाए, तो सोचा नवरात्रि का पहला दिन है, आज से स्टार्ट करेंगे व्लॉगिंग करना। मिस्टर श्रीवास्तव नहा चुके हैं, आज का डेकोरेशन मिस्टर श्रीवास्तव ने लिया है डेकोरेशन का। मैं जा रहा हूं करने। अच्छे से करना डेकोरेशन। अब बता देना, पर गाइड कर देना मेरे को। मैं पहले नहा कर आऊंगी, आप तो नहा लिए। पापा लेट जाएंगे, जल्दी नहा के आना। सो रिधांस वर्ल्ड की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी 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 नवरात्रि। तो हमारे यहाँ नवरात्रों की पूजा ऐसे नीचे बैठ के आराम से की जाती है, खड़े खड़े नहीं होती हमारे घर में पूजा। तो डेकोरेशन किया जा रहा है यहाँ पे, अच्छे से लाल कलर के कपड़े से माता रानी की चौकी बिठाई जाएगी यहाँ पे। और रिधान नहाए नहीं, रिधान चलो नहाए नहीं करेंगे नहीं, क्या क्ले लेके बैठे हैं सुबह से। तो गाइस बताना, बिना प्रज्ञा के हमने थोड़ी सजावट की, बस गाइड लेकर बनी। अब माला सजाएंगे, हल्का फुल्का सजाया बेटा, इस बार ज्यादा नहीं सजाया, पापा को आता नहीं है ना। आरती बनावा काही दी मैया तेरी, आरती बना। ये हमारी शारदा माता जी हैं, और ये दरवाजेवासी माता जी हैं, ये हमारी शारदा मैया, ये शारदा मैया हमारी, ये कुल देवियां हैं दोनों। मैडम गाइड करते हुए बाहर से। अब हम लाइट लगाएंगे, पहले माला पापा ये लगा दूं, पहले मैं लाइट लगा पर मैं कलश लगाऊं। लाइट लग चुकी है, सज चुका है माता जी की। अब यहाँ हो रही है ज्वारे बोने की तैयारी, मिट्टी का पात्र जिसमें ज्वारे बोते हैं, इसमें जो भी डालेंगे मिट्टी, इसके ऊपर पात्र रखा जाएगा। अगर मटकी रख दी इस पे, इसमें पानी भरेंगे। बताशे गोगल लौंग के जोड़े सब रखे जा रहे हैं। आरती बनावा अगर कपूर पावा, आती मंदिर बिच आरती जय मां पिंडी वाली, आरती जय मां। चूल्हा नगर कोट में तुम बिराती, लोग में डंगा होगा ज्वाला में। बहुत सच्चे दरबार की So guys, पहले दिन की पूजा हो चुकी है। जो फर्स्ट डे होता है ना नवरात्रि का, उस पर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ना सब कुछ स्थापित करना पड़ता है, माता जी को बिठाना पड़ता है, चौकी लगानी पड़ती है और घट स्थापित करना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ला थैंक यू। आज इतना टाइम लगा है, डेली इतना टाइम लगेगा बस, डेली तो बस पूजा और आरती और ये सब चालीसा वालीसा करके, इतना टाइम नहीं लगेगा। लास्ट वाले दिन टाइम लगेगा क्योंकि कन्या वन्या जी में
और अब हाँ सबका व्रत है, तो मैं आ चुकी हूँ। अब आप देख सकते हैं किचन में, तो अब प्रसादी बनाते हैं। जुग जुग जीरे तेरा जम्मूए धरा जा, जुग जुग। तो यहाँ पे हमारे पुदीने वाले आलू रेडी हैं सागारी के, और मूंगफली भी तल के रेडी है, चिप्स मैंने तल लिए हैं। अब हम तलने जा रहे हैं साबूदाने के पापड़। यहाँ पे साबूदाना भिगा रखा है, आप देख सकते हैं, जो इसकी बन जाएगी अब खिचड़ी। बस ये हमारा सागर हो जाएगा। कितना सारा व्रत का मतलब ये रहता है कि बस खाना खाना खाना, व्रत तो कोई करता ही नहीं है, लग रहा ही नहीं है व्रत करा है। सो सागारी करके हम लोग सब इतने थक गए थे कि हम लोग सो गए और शाम को उठे हैं, और फिर हम लोगों ने व्रत का खाना मतलब जो भी था वो खाया है। और उसके बाद रिधान के डैडी हमको लेके गए थे गरबा दिखाने के लिए। यहाँ कोटा में ना बहुत मतलब छोटी छोटी जगह पे भी गरबा मतलब देखने को मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉलोनी की कोई मैदान था, वहाँ पे गरबा चल रहा था बहुत शानदार, तो वो देखने आए हैं। चलो आपको भी दिखाते हैं यहाँ का गरबा। कोई पासिस नहीं थे, कोई भी आओ कोई भी डांस करो वाला सिस्टम था।